अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को यूट्यूब की दुनिया में, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज की मेरी जो रेसिपी है वो मोमोज की है, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बस वेजिटेबल मैंने लिए हैं, दो अनियन ली थी मैंने मीडियम साइज़ की और एक गाजर ली थी मैंने, और 1 कप जो है मैंने गोभी ली थी उसको बारीक बारीक काट लें, और ये है कीमा जो मैंने लिया है 300 ग्राम, और ये है क्या कहते हैं नमक और कुटी मिर्चें और ऑयल है 2 टेबल स्पून, और बस 1 गिलास वाटर है, और मैदा है 2 कप, बस इसको मैं गुनूँगी, और ये ग्रीन चिल्ली है और जिंजर पेस्ट है, और ये जो है सॉल्ट है जो मैं गुनू जाएगा। बस अब जो है मैंने मैदे को गुनना है, तो बस इसका मैदा जो है आम आटे की तरह बिल्कुल गुनेगा। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा। बस इसको गुनना है, उसकी दो जो है ना वो थोड़ी सख्त रखनी है, जैसे रोल समोसे की होती है ना इस तरह से, उसकी सख्त रखनी है, ज़्यादा नरम नहीं करना है ना। और उसके बाद एंड में इसको गुनने के बाद जो है ना इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दें, और बस इसको तो रेस्ट मैंने देने के लिए रख दिया। अब मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी, तो मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर 2 टेबल स्पून, और उसके अंदर मैंने डाल दिया जिंजर, और जिंजर डालने के बाद जो है इसके अंदर जाएगी प्याज, और जो है ना बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये मोमोज जो है ना। बस सर्दी में तो इतने मज़े के लगते हैं कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस अब इसके अंदर मैं जो है प्याज के बाद डालूँगी इसके अंदर कीमा। अच्छा कीमा जो है ना बिल्कुल बारीक वाला है, मोटा कीमा नहीं लें क्योंकि फिर उसको गलने में टाइम लगेगा। मैंने बिल्कुल मशीन से जो बारीक मिलता है ना मैंने वो करवाया हुआ, तो ये जो है ना जल्दी गल जाएगा वरना फिर उसको टाइम लगता है। बस अब मैंने इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं, उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है, और जो है इसके अंदर जाएगी ग्रीन चिल्ली जो डाली थी मैंने वो, और गाजर वगैरह सारी इसके अंदर चीज़ें चली जाएंगी, गोभी सबको डाल के मिक्स करें। और अच्छा इसके अंदर मैं वो भूल गई थी क्या कहते हैं ना ब्लैक पेपर मैंने डालना भूल गई थी, तो 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर भी डालूँगी। बस इस सबको मिक्स करके जो है ना इसको 30 से 35 मिनट के लिए इसको गलने रखना है, तो बहुत ही मज़ेदार इसकी फिलिंग बनती है। चिकन के साथ ही बना सकते हैं, ये मैं कीमे के साथ बना रही हूँ, वेजिटेबल के ही बनते हैं ये। बस मैंने इसके अंदर ये डाल दिया ब्लैक पेपर, अब इसको जो है 30 से 35 मिनट में मेरा कीमा जो है ना गल जाएगा। बस इसकी फिलिंग तैयार हो गई, 1/2 घंटा हो चुका है, बस कीमा जो है बिल्कुल फ्राई हो गया, देखिए पानी भी खुश्क हो गया, बस ये तैयार है बिल्कुल। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और क्या कहते हैं तैयार हो गई इसकी फिलिंग। अच्छा मैंने इसके अंदर वो 2 बॉयल्ड एग्स डाले थे क्योंकि बच्चे कह रहे थे एग्स मम्मा इसमें डाल दें, तो मैंने वो डाल दिए थे। मतलब मर्जी, अगर आपको डालने हैं तो डालें, नहीं डालें तो वैसे ही बना सकते हैं, तो बस मैंने बच्चों की फरमाइश पर डाल दी। मैंने इसको मिक्स कर दिया है, और बस अब मैंने आटे के जो थे ना पेड़े बना लिए थे, 6 पेड़े बने थे। अब इसको इस तरह से ना बिल्कुल बेलें क्योंकि इसकी जो है ना बिल्कुल रोल समोसे की तरह इसकी पट्टियाँ होनी चाहिए। सब बस इसको गिलास से काट लें या कटर से, जो भी आपके पास है। पर मेरे पास गिलास था जिस शेप में जितने बड़े करने हैं ना, तो मैंने इसको गिलास से लेके यूँ काट लिया था ना, क्योंकि एक एक बेलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इस तरह शॉर्ट हो जाता है ना, जल्दी में काम हो जाता है। बस इस तरह से जो है ना इसको मैं काट के रखती जाऊँगी, फिर जो है ना इसको इसकी मैं फिलिंग करूँगी जो मैंने बना के तैयार कर दी है, फिर मैं आपको दिखाऊँगी अगर किस तरह। इस तरह मैंने सारे देखें बना लिए इस तरह से ना, बहुत जल्दी रहता है। बस अब इसे फिलिंग रखते जाएँ, सारी खट्टी रख दें, और फिर उसके बाद जो है ना इसे थोड़ा सा पानी लगा के ना किनारों पर इसको बंद कर देना है। तो बस ये देखें मैंने इसको हाथ में उठाया और किनारों पर थोड़ा सा पानी लगाया किनारे पर, और इसको जो है ना ये दबा दें, इस तरह से ये बंद हो गए। इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, मतलब मैंने तो इस तरह से बना लिया है, इसके बहुत सारे काफ़ी डिज़ाइन बनते हैं, तो जिस शेप में ही बनाने बस टाइम था नहीं, फिर वही होती है लाइट चली जाती है, मैंने जल्दी जल्दी ना इसको इस तरह से बना लिया, इस तरह से शेप में बहुत सारे इसकी चीज़ें होती हैं ना शेप आप बनाने, तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। बस अभी स्टीम में जाएंगे तो फिर मैं आगे दिखाऊँगी। इस तरह से सारे तैयार हो गए, काफ़ी सारे बन गए थे ना मोमोज, और बहुत ही मज़ेदार होते हैं। केचप से खाएं, चटनी से खाएं, किसी से भी खाएं, बहुत ही मज़े के लगते हैं अम्मी ना। तो बस इस तरह से सारे तैयार हो चुके हैं। बस अब मैंने पतीले में पानी बॉयल कर लिया, उसके ऊपर मैंने ये छन्नी रख दी, दही मेरे पास सीमा नहीं था, मैंने इसी को बना दिया। अब मैंने जो है ना इसे ब्रश से ऑयल लगा दिया, ऑयल घी जो भी है इस पर लगा दूँगी, चिपकेंगे नहीं। बस अब मैं इसके अंदर जो है एक एक मोमोज रखती जाऊँगी, सारे इसके अंदर ना मैं फिल कर दूँगी। ये देखें बहुत ही आसान होते हैं और इतने मज़ेदार बनते हैं ना बग़ैर ऑयल के, ये बहुत ही अच्छे यम्मी बनते हैं और इनका टेस्ट इतने मज़े का होता है ना। तो बस इसको सर्दियों में बनाएं खाएं, मतलब गर्मियों में खा सकते हैं, कौन खड़ा हुआ आपके आगे, मतलब ये जो है ना सर्दियों की डिश है, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बस अब मैं जो है ना इसके ऊपर घी थोड़ा सा लगा दूँगी, तो इसमें चमक और शाइनिंग आ जाएगी, वैसे घी की ज़रूरत तो नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा सा लगा दूँगी तो ज़रा अच्छे लगेंगे। और बस अब इसको 10 मिनट बस हमें इसको 10 मिनट के बाद जो है ना इसका ढक्कन मैं हटा रही हूँ, इसको मैंने कवर कर दिया था अच्छे से, ताकि स्टीम में ना ये पक जाए। बस देखें बिल्कुल पक के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, देखें फाइनल लुक इसकी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और मतलब मैंने कहा था ना मुख्तलिफ शेप में, ये एक मैंने बीच में जो था ना उसका फ्लावर सा बना दिया था ना, बहुत तरीके से बनते हैं ये, तो इतने मज़ेदार हैं ना, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखें इतने मज़ेदार हैं ना अंदर से, कीमा ही तो सब गला हुआ, सिर्फ बस स्टीम में इसको थोड़ा सा पकना होता है, इसका जो मैदा होता है ना। तो बस इंजॉय करें, और क्या कहते हैं मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं कमेंट ज़रूर कर दिया करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दिया करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़। अरे वाह।
Follow me on Instagram, link description, Allah Hafiz.